हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर के जो आपका बॉटनी सब्जेक्ट है उसके पेपर वन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो जो हैं, और उसी का नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वीडियो में। बाकी आपको एक्सप्लेनेशन तो सारे टॉपिक्स का हो चुका है प्रीवियस वीडियो में, तो आज की वीडियो में बस आपको नोट्स और जो हैं आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे जो कि हमें भी हमारे सीनियर ने बताए। ठीक है, उनके चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो जो चैनल है डायनामिक पहाड़ी करके नेम है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो भी बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं, आप ज़रूर जाइएगा उनके चैनल में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको पेपर वन बॉटनी के नोट्स मिलेंगे और पता चलेगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। हमारी बॉटनी फर्स्ट पेपर में जो है 3 यूनिट हैं, वो आपकी प्लांट फिजियोलॉजी, मोर्फोजिनेसिस और बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में आपका इम्पोर्टेंट है ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, प्लाज्मोसिस, ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, रेस्पायरेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, C3 एंड C4 साइकिल, फोटोरेस्पायरेशन और CM पाथवे। ठीक है, तो आइए अब इन टॉपिक्स के नोट्स देखते हैं। फर्स्ट हम आज बस प्लांट फिजियोलॉजी के ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ पाएंगे या नोट्स आपको प्रोवाइड हो पाएंगे। मोर्फोजेनेसिस और बायोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ठीक है, एक एक यूनिट में क्या क्या इम्पोर्टेंट है इससे आपका भी अच्छा रहेगा, तो ऐसे वीडियोस बनेंगी। ठीक है, तो देखते हैं टॉपिक्स। फर्स्ट आपका होगा ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न, फिर प्लाज्मोलाइसिस, ट्रांसपायरेशन। इसे शॉर्ट शॉर्ट में समझाया गया है, तो इतना भी पढ़ लेंगे तो आपको याद आ ही जाएगा कि क्या आपने पढ़ा था। तो ये आपका लास्ट में पढ़ने के लिए जैसे रिफ्रेशर होती है ना, वैसे ये वीडियो है, तो इसे ध्यान से देखिएगा और नोट्स पढ़ लीजिएगा एक बार बस हल्का सा। ठीक है, और आगे देखिए आपका स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ये हमने 3 पॉइंट्स में समझाया गया है, तो इसे पढ़ लेना एक बार। और अब देखो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशंस तो आपको पता ही होगा हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप अपने मन से भी लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। या देखें, सब्सटेंस इन फूड दैट योर बॉडी नीड्स टू फंक्शन प्रॉपरली, टू ग्रो, रिपेयर इट्सेल्फ एंड सप्लाई यू विच एनर्जी। ठीक है, इसके 6 बेसिक न्यूट्रिशंस होते हैं, वो आपने पढ़े भी होंगे। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड प्रोटीन, थर्ड फैट्स, फोर्थ विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, देखिए आगे जो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस होता है, द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अगर आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस ब्रीफ में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए यूनिट्स की, तो उसमें जाके आप ब्रीफ में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अब आगे देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्रेंसेस, इसमें 6 पॉइंट्स में आपको समझाया गया है, तो ये भी आप अच्छे से पढ़िएगा। अब है आपका आगे सोडियम एंड पोटेशियम पम्प्स, ये क्या होते हैं, एन एंजाइम फाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ ऑल एनिमल सेल्स एंड मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन पम्प। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल भी याद है तो ये भी बहुत है, आप इससे भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी आप लिखने में तो सही हैं तो लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, और मूव थ्री सोडियम प्लस आयन्स आउट ऑफ सेल विद मूविंग 2 पोटेशियम प्लस आयन्स इन टू द सेल। अब देखेंगे रेस्पायरेशन आपका क्या होता है। देखिए रेस्पायरेशन आपका, इट इज़ एन इंट्रा सेलुलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन इन टू सिंपल सब्सटेंसेज विथ स्टेप्यूरस रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको समझा भी दे रही हूँ, बाकी जो डिफरेंसेस वाले हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझा रखे हैं, तो उसमें भी आप देख लीजिएगा जो मैं वीडियो में नहीं समझा रही हूँ अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो तुम्हें भी दिक्कत होगी। ठीक है, और अब देखेंगे आगे हम इसके डिफरेंसेस एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनोरोबिक रेस्पायरेशन के। ठीक है, देखिए एरोबिक एंड एनोरोबिक रेस्पायरेशन आपको 9 पॉइंट्स में समझा दिया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी जैसे मैंने बताया है, तुम्हें अगर समझनी है ये टॉपिक्स या पढ़नी है तो ये वाली वीडियो देखना, अगर तुम्हें समझने हैं तो
तुम प्रीवियस वीडियो में भी जा सकते हो, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो और आगे हम देखेंगे ऑक्सीडेक्टिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेक्टिव फॉस्फोराइलेशन में आपका होगा द प्रोसेस बाय विच एटीपी सिंथेसिस इज कपल्ड टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द माइटोकॉन्ड्रियल एंड ट्रांसपोर्ट चेन एंड द एसोसिएटेड कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? इतने से तो समझ ही गए होगे ऑक्सीडेक्टिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, और इसी में आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। अगर डायग्राम बनाएंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है आपकी, इसे आपको को ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से रिलेट है। इसमें आपको थ्री मेन स्टेप्स बता रखे हैं इसके, तो आप ये भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और फोटोसिंथेसिस तो आप सबको पता ही होगा, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, इसमें हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे और इसकी डेफिनेशन और डायग्राम भी आप देख लीजिएगा। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सिंथेसिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है? यहीं पर डायग्राम द्वारा भी समझ सकते हैं इसे कि सन की सनलाइट पड़ती है प्लांट में, तो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इसमें प्रक्रियाएं होती हैं, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। और इसकी मैकेनिज्म जो होगी वो टू पार्ट्स में होगी, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। और इसमें डार्क रिएक्शन की भी मैकेनिज्म होगी, लाइट रिएक्शन की भी मैकेनिज्म अलग से होगी, ठीक है? तो इसे भी पढ़ लीजिएगा और मैकेनिज्म और फोटोसिंथेसिस का डायग्राम तो रट ही लीजिएगा। अब देखेंगे हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसमें भी थोड़ा बहुत आपके नोट्स हैं तो इस नोट्स से आप पढ़ सकते हैं, तो शॉर्ट शॉर्ट में आपको दिए हैं। तो फोटोसिंथेसिस तो आपने पढ़ लिया, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपको खुद ही आ जाएगा, ठीक है? और अब हम देखेंगे, जैसे मैंने C3 एंड C4 साइकिल इम्पोर्टेंट है कहा था, तो इसमें हम C3 एंड C4 साइकिल के प्लांट्स में भी देख लेंगे डिफरेंसेस और साइकिल में भी डिफरेंसेस पढ़ लेंगे, ठीक है? थोड़े से पॉइंट्स में समझाया गया है तो दोनों ही देख लीजिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा C4 साइकिल क्या होती है और C4 प्लांट्स क्या हो सकते हैं, C3 एंड C4 दोनों ही, ठीक है? देखो जो कि प्लांट फिजियोलॉजी में तुम्हारा लास्ट टॉपिक बच गया, लास्ट टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वे में, ठीक है? वैसे तो बहुत है सिलेबस, तो CM पाथवे देखेंगे, इसका क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कार्बन फाइनेशन पाथवे भी इसे कहते हैं। और इसमें आपका छोटा सा डायग्राम है केल्विन साइकिल को लेके CM पाथवे का, तो इससे आप समझ सकते हैं। तो आपको समझ में आ चुके होंगे सारे टॉपिक्स, और नोट्स बना लेना। अगर वीडियो तुम्हें लंबी लग रही है तो स्किप कर करके उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मैं PDF का, उससे PDF डाउनलोड कर लेना। अगर उससे PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है तो मुझे बता भी देना, ठीक है? मैं वैसे सेंड कर दूंगी PDF। और इतना ही था फिर प्लांट फिजियोलॉजी में इम्पोर्टेंट, सब पढ़ लेना। ऑल द बेस्ट सबको, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वंस अगेन ऑल द बेस्ट दोस्तों, सब अच्छे से देना पेपर।